यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हमीरपुर जिले में बारिश के कहर से क्षतिग्रस्त हुए शिमला चंडीगढ़ राजमार्ग को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। बता दें कि विभाग ने केवल 7 दिनों के अंदर ही पुल की मरम्मत करके इसे आज छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया है, जबकि मंगलवार को बड़ी गाड़ियों के लिए इस पुल को खोला जाएगा। छोटी गाड़ियों की आवाजाही शुरू होने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। SDOP भारद्वाज ने कहा कि पुल पर से मंगलवार को बड़े वाहन भी गुजर सकेंगे। तो आपको बता दें, यहाँ पर निर्माण कार्य काफी समय से चला हुआ है, बारिश के कारण बार बार रुकावटें इसके निर्माण कार्य में आ रही है। अब ये शिमला चंडीगढ़ मार्ग जो है, जो काफी चर्चा में भी रहा है, अब वो खुल चुका है, लेकिन छोटी गाड़ियों के लिए। बड़ी गाड़ियों वालों को अभी मंगलवार तक इंतजार करना होगा। तो 7 दिनों में पुल की मरम्मत हुई है और जगह जगह से ये मार्ग ध्वस्त भी हो चुका है, धस चुका है, सड़कें धस चुकी है और पहाड़ से चट्टानी गिरने का सिलसिला अभी भी हिमाचल प्रदेश में जारी है। लंबे लंबे जाम हिमाचल प्रदेश में आजकल स्थिति हो गई है और लग रहे हैं वहां पर लंबे लंबे जाम, क्योंकि पहाड़ों से चट्टाने खिसक कर सड़क पर आ जाती है, सड़क भी क्षतिग्रस्त होती है, साथ में लैंडस्लाइड का खतरा तो पैदा होता ही होता है और जो लोग होते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में जो शिमला चंडीगढ़ राजमार्ग था वो बंद हो चुका था।